खुशामदेद कहते हैं आपको अपने इस लेक्चर सीरीज़ में। इस लेक्चर में, आज के लेसन में, हम आपकी बुक जो है मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 सिंटेक्स बुक बोर्ड की, उसका चैप्टर वन जो है उसके सेक्शन 1.2 में जो मटेरियल है उसको डिस्कस करें। इस सब सेक्शन के अंदर जो है कुछ नए किस्म के जो हैं डेफिनेशंस जो हैं वो इंट्रोड्यूस की गई हैं। उनमें सबसे पहला जो है कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो सबसेट्स का है। सबसेट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम दो सेट्स को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं, तो उनके दरमियान एक ख़ास एक रिलेशनशिप जो है उसको हम सबसेट के ज़रिए जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन जो है वो हमारे पास यहाँ पर गिवन है, अ सेट बी इज़ अ सबसेट ऑफ अ सेट बी डिनोटेड बाय ये रिप्रेजेंटेशन है उसकी नोटेशन, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। यानी यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि एक आपके पास दो सेट्स हैं बी और ए, अगर बी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ए के अंदर मौजूद हों और ए में कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं एलिमेंट्स, लेकिन वो सारे के सारे एलिमेंट्स के जो बी में हैं वो सब के सब ए में मौजूद हों, तो हम ये कहते हैं कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ दिस अदर सेट ए। ठीक है, आप बाज़ जगहों पे जो है यही स्टेटमेंट जो है वो एक इस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ भी देख सकते हैं कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए इफ़ एंड ओनली इफ़, जिसको बाज़ जगहों के ऊपर जो है वो IFF करके भी लिखा होता है, इसका मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़ ए। इफ़ फॉर ऑल, ये जो उल्टा ए है ये फॉर ऑल की का क्या सिंबल है, फॉर ऑल एक्स इफ़ एक्स इज़ अ मेम्बर ऑफ बी देन एक्स इज़ ऑल्सो अ मेम्बर ऑफ ए। ठीक है, तो ये एक लॉजिकल एक एक्सप्रेशन जो है वो उसके ज़रिए जो है वही स्टेटमेंट जो ऊपर आपको वर्ड फॉर्म में दिया हुआ वो एक एक इंतहाई जिसे कहते हैं कि अनएम्बिगुअस फॉर्म के अंदर, कोई जिसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, उसमें आपको यहाँ पर एक सिंगल लाइन के अंदर भी वो यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, अगर आप इस तरह की जो है वो स्टेटमेंट्स पढ़ के और समझ लेते हैं कि मसलन कि उसका क्या मतलब है, तो आप उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से हैं दुनिया के कि जो इस तरह की नोटेशन जो है उसको पढ़ के और समझ लेते हैं, और ये आपके बहुत काम आएगी अगर आप इस तरह की नोटेशन जो है उसको पढ़ के और समझने की काबिलियत रखते हैं। ठीक है जनाब, तो हम दो तीन चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं, एक एग्जांपल छोटी सी देख लेते हैं। मसलन ये कि हम एक सेट जो है वो बी कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो मसलन उसमें दो एलिमेंट्स हैं 0 एंड 1, एक और सेट हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ए जिसमें ये दोनों एलिमेंट्स मौजूद हैं और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी मौजूद है, और यहाँ पर अगर हम अपनी जो डेफिनेशन है सबसेट्स की वो यहाँ पर अप्लाई करें तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। सबसेट के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो अगर आपको याद मसलन रखना है कि ये इसका मुंह जो है मसलन जो यू जो लेटा हुआ यू है इसका मुंह खुला हुआ जो है वो किस तरफ होना चाहिए, तो ये एक आपको अरिथमेटिक में आपने लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू की जो सिंबल है ये उसी किस्म का जो है ये एक सिंबल है, बस ये यू की फॉर्म है बजाय वी के। इसमें जिस तरफ मुंह खुला हुआ है वो बड़ा सेट होगा यानी ए हमारे इस एग्जाम्पल में, और जिस तरफ इसका जो है बंद मुंह है वो बी होगा। जैसे लेस देन और इक्वल टू के अंदर मसलन फर्ज करें आप यूज़ करते हैं 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, तो जिसका मुंह खुला हुआ साइड जो है वहाँ पे बड़ा नंबर होता है और जो जिस तरफ नोक है उस तरफ छोटा नंबर होता है। इसी तरह से ये जो हमारा सिंबल है इसमें आप जिस तरफ मुंह खुला होगा वहाँ पे बड़ा सेट होगा और जो जहाँ पे मुंह बंद है वहाँ पे सबसेट या छोटा सेट जो है वो होगा। इस तरह से शायद आपको याद रखने में आसानी हो। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स, एक एग्ज़ाम्पल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आपको अगर आप देखना चाहें मज़ीद कुछ एग्ज़ाम्पल्स तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। मसलन हमारे पास है 0 1 2, ये एक सेट है बी। ठीक है, हम एक और सेट जो है वो बना लेते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4, आपको साफ नज़र आ रहा है कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सब के सब यहाँ पे मौजूद हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है वो सबसेट है एक। एक और चीज़ जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ नोट्स हैं जो याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। पहला पॉइंट जो है उनमें से वो ये है कि फॉर एनी सेट ए फी जो है जो हमारा नल या एम्प्टी सेट है, अगर आपको पहला लेक्चर जो है वो अभी तक याद है तो ये फी का सिंबल जो है वो हम नल एम्प्टी सेट के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर बाय डेफिनेशन हमें बताया जा रहा है कि नल या एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है, यानी अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि फॉर ऑल ए, आप कोई भी सेट ले लें और आपसे कोई पूछे कि जी नल सेट जो है वो इसका सबसेट है या नहीं है, तो बाय डेफिनेशन नल सेट इज़ ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, एवरी सेट इज़ ए सबसेट ऑफ इट सेल्फ, यहाँ पर भी आप चाहें तो फॉर ऑल ए लिख सकते हैं, यानी हर सेट अपने आप का सबसेट भी होता है क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो हैं उसके उसके अंदर मौजूद हैं, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, लेकिन हमारी डेफिनेशन जो है वो सिर्फ हमें ये चाहती है कि हम ये देखें कि
कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो सबसेट के अंदर हैं वो दूसरे सेट में हैं या नहीं, और ये कंडीशन जो है वो इस जगह पर भी सेटिस्फाई हो रही है, हर सेट अपना सबसेट इस डेफिनेशन के तहत। तीसरा पॉइंट जो है वो हमें बता रहा है कि इफ़ ओ ऑफ ए जो साइज़ है या कार्डिनलिटी है एक सेट की, यानी अगर आप सेट के अंदर नंबर काउंट करें कि कितने एलिमेंट्स हैं, अगर वो एलिमेंट्स का नंबर जो है वो एन है, देन देर आर टू रेश पावर एन सबसेट्स ऑफ ए। और ये हम देखेंगे कि ये कैसे टू रेश पावर एन सबसेट्स ऑफ ए होते हैं। अगर इन सारे के सारे सबसेट्स को हम एक सेट के अंदर जमा कर दें तो उसको मैथमेटिक्स के अंदर या सेट थ्योरी के अंदर जो है पावर सेट का कहा जाता है, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो ए जो है वो हमारा सेट है जिसके सारे सबसेट्स जो हैं अगर वो हम एक सेट के अंदर जमा कर दें तो वो पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। हम एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे कर लेते हैं। मसलन हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा सेट है और हम ज़्यादा बड़ा सेट नहीं लेना चाहते क्योंकि हमें मालूम है कि टू स्टार एन जो है वो सारे पॉसिबल सबसेट्स होते हैं जो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और अब हमारे पास यहाँ पे थ्री एलिमेंट्स हैं तो टू स्टार थ्री जो है वो हमें पहले से मालूम है कि कितने सबसेट होने चाहिए, हमारे आठ सबसेट होंगे। लेट्स सी इफ देर आर एट सबसेट्स और नॉट। हम पावर सेट जो है हमें मालूम है कि ये एक सेट है तो हम इसको अपने सेट की नोटेशन यूज़ करके लिख लेते हैं। तो ये रहा है हमारे सेट। अब इसमें हम मेंबर लिखना शुरू करेंगे और हर मेंबर जो है वो एक सेट होगा। तो सबसे छोटे सबसेट से शुरू करते हैं। हमें मालूम है कि नल सेट जो है वो हर सेट का सबसेट है, तो पहला एलिमेंट जो हो गया हमारे इस पावर सेट के अंदर वो नल हो गया। दूसरा एलिमेंट जो है वो हम उसके बाद जो छोटे सेट्स हैं उनसे शुरू करते हैं। दूसरे छोटा सेट जो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वो एक सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट ए मौजूद है, ये एलिमेंट जो है वो ए कैपिटल ए के अंदर ही मौजूद है, इसलिए जो हमने अभी यहाँ पे एक छोटा सा सेट लिखा है वो सबसेट है कैपिटल ए सेट का, तो हम यहाँ पर सारे सबसेट्स लिख रहे हैं। इसी तरह से ये भी सबसेट हो गया, इस तरह से एक सेट जिसमें सिर्फ सी है वो भी सबसेट हो गया। अब हम जो है वो सबसेट्स लिखते हैं कि जिनमें दो एलिमेंट्स हैं, ए बी जो है ये एक सबसेट हो गया, ए सी जो है वो एक और सबसेट हो गया। अब हम नीचे लाइन पे आ जाते हैं, बी बी सी ये एक और सबसेट हो गया। अब हमारे पास दो के जितने भी पॉसिबल सेट्स हम बना सकते थे सबसेट्स वो ख़त्म हो गए। काउंट करें अब तक कितने बना लिए हमने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आखिरी सेट जो है वो हम चाहें तो हम ए लिख सकते हैं क्योंकि ये वो सेट है जिसके अंदर सारे ए बी सी एलिमेंट सारे के सारे मौजूद हैं। तो ये हो गया हमारे पावर सेट ऑफ ए, या इन अदर वर्ड्स ऑल सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है, हम देखेंगे एक्सरसाइजेस के अंदर कुछ और सवाल हल करेंगे जिसमें हम सारे सबसेट्स जो हैं वो कुछ सेट्स के कंस्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन आपने देख लिया कि सिस्टमेटिकली कैसे सबसेट जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। अच्छा, अब एक और नोशन है, एक और कॉन्सेप्ट है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स का। अगर हमारे पास कोई सेट है फर्ज करें बी जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 0, 1 और एक और एलिमेंट है ए जिसमें ये सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं लेकिन कुछ ज़्यादा भी हैं, तो हम ये कहते हैं कि बी इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। और आप देखें कि हमने जो नोटेशन यहाँ पे यूज़ किए इसमें इक्वालिटी वाला जो लाइन है वो यहाँ पे यूज़ नहीं की। इन अदर वर्ड्स हम क्या कह रहे हैं कि बी जो है वो एक ऐसा सबसेट है कि जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो स्ट्रिक्टली यानी उनकी तादाद है वो कम है ए के एलिमेंट्स के मुकाबले में, यानी बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ए में मौजूद हैं और ए में उससे ज़्यादा एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। तो इस तरह की अगर सिचुएशन होगी तो हम इसे प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ठीक है, और अगर सूरत हाल ये है कि बी और ए में उतने ही मेंबर्स हैं एक दूसरे के यानी जितने एक दूसरे में हैं, तो वो फिर हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। यानी ए जो है जब हम लिखते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ तो ये एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, तो बस ये दो क्लासिफिकेशन हैं। प्रॉपर सबसेट जो है उसके अंदर स्ट्रिक्टली लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और इम्प्रॉपर के अंदर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, सुपरसेट का कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ सबसेट का जो कॉन्सेप्ट है उसका इन्वर्स। तो यानी अगर आपके पास कोई एक सेट है बी जो सबसेट है ए का, आप इसको यानी उल्टा अगर मसलन बताना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि ए जो है इट्स ए सुपरसेट ऑफ बी। ठीक है, इसी तरह से अगर बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है ए का, तो हम कहते हैं कि ए जो है वो एक प्रॉपर सुपरसेट है बी का। ठीक है, ये जो सिंबल है अगेन, इसको जैसे हम लेस देन और इक्वल टू के जो सिंबल है उसको आगे पीछे करके जैसे भी लिखना चाहें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो डायरेक्शन है इन दोनों में वो सेम है, यानी बी जो है वो छोटा सेट है ए के मुकाबले में
और ए जो है वो उससे बड़ा है, ठीक है। और उसके लिए जो सेट थ्योरेटिक जो टर्म्स यूज़ होती हैं वो सबसेट और सुपरसेट की टर्म्स यूज़ होती हैं, ठीक है। एक और सेट जो है बहुत स्पेशल किस्म का, उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हमारे सामने यहाँ पे लिखी हुई है, अ सेट विच हैज़ ऑल द एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स से क्या मतलब है, यानी अगर आपके पास किसी एक जगह पे बहुत सारे सेट्स मौजूद हैं तो वो आपको जो सारे सेट्स के जितने सारे मेंबर्स हैं वो आपकी यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वो सारे एलिमेंट्स जो उस प्रॉब्लम के अंदर जो इंपॉर्टेंट आप हल करने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आप जमा कर लें एक सेट के अंदर, तो उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यानी यूनिवर्सल सेट उस प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट के अंदर के जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं उन सारे एलिमेंट्स का सेट होता है कि जो उस डोमेन के अंदर या उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी सेट्स हैं उनके अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ठीक है। इस वक्त हमारा जो है वो वक्त आज का जो है वो इस लेक्चर का वो ख़त्म हो रहा है। हम आपसे दोबारा मिलते हैं, इसी हम सेक्शन को कंटिन्यू करेंगे, इसमें कुछ मज़ीद एक्सरसाइजेज जो हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जनाब। तो जाइए, जाके इस वक्त मज़े कीजिए।